अयाम सिमेनी, यह है इंडोनेशिया की एक बहुत ही दुर्लभ चिकन प्रजाति। इसका हर अंग काला है, मतलब पंख से लेकर टांगों तक, नाखूनों से लेकर जीभ तक, मीट से लेकर हड्डियों तक, सब कुछ बिल्कुल काला, सिर्फ इसके खून को छोड़कर। इनके ऐसी रंगत का कारण फाइब्रा मेलानोसिस नाम के जेनेटिक कंडीशन को बताया जाता है। इसके चिकन की कीमत विदेशों में $2,000 यानी तकरीबन 1,40,000 रुपए बताई जाती है। यही वजह है कि इन मुर्गों को पोल्ट्री वर्ल्ड की लेम्बोर्गिनी भी कहा जाता है। वैसे भाई, हमारे यहाँ तो काले चिकन को कोई चवन्नी में भी नहीं खरीदता, क्योंकि वो जला हुआ होता है। वियतनामीज ड्रैगन चिकन, क्या आपने कभी इतनी मोटी टांग वाले मुर्गे को देखे हैं? हैरान रह गए ना जानकर। इससे भी ज्यादा हैरानी तब होगी जब आप इनका वजन जानेंगे। लेकिन पहले बता दें कि मुर्गों की ये नस्ल वियतनाम के हनोई से 30 किलोमीटर दूर खुआय चाउ जिले में पाई जाती है। वहां पर इसे डोंग ताओ कहते हैं। एक जमाने में इन्हें खास तौर पर रॉयल परिवारों के लिए ब्रीड किया गया था। वैसे ऊपरी तौर पर ये मुर्गे बिल्कुल आम मुर्गों जैसे दिखाई देते हैं, लेकिन इस ब्रीड के मुर्गे और मुर्गियां दोनों ही 6 किलो से कम नहीं होते, जिसकी एक बड़ी वजह है इनकी टांगे। साथ इनको पालना बेहद मुश्किल होता है और इस अकेले मुर्गे की कीमत 1 से 1.5 लाख रुपए तक आंकी जाती है। सिल्के बैंटम, ये है मेरी नजर में दुनिया की सबसे क्यूट चीज, जिसको शायद हर कोई पालना चाहेगा। सिल्का बैंटम का शरीर घने सिल्की बालों से घिरा हुआ होता है और कई देशों में इन्हें एक प्यारे पालतू जानवर की तरह पाला जाता है। लेकिन कुत्ते और बिल्लियों से हटकर ये वाला पालतू जानवर कभी कभी अपने मालिक को ब्रेकफास्ट भी खिला देता है। ओनागाडोरी, ओनागाडोरी चिकन की एक ऐतिहासिक जापानी नस्ल है। इसकी विशेषता है इसकी असाधारण लंबी पूंछ। इनको दक्षिणी जापान के शिको द्वीप पर कोची प्रांत में 17वीं शताब्दी में ब्रीड किया गया था। ये जीव बेहद दुर्लभ और खूबसूरत होते हैं, शायद इसीलिए 1952 के दौरान ओनागाडोरी को जापान में राष्ट्रीय प्राकृतिक खजाना तक घोषित कर दिया गया। खबरों की माने तो फिलहाल ओनागाडोरी पूरी दुनिया में केवल 1,000 ही बचे हैं, और जो लोग इनको पाल रहे हैं वे इनकी खूबसूरती का पूरा ख्याल रखते हैं। सुमात्रा चिकन, ये है इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप के मूल निवासी मुर्गे की एक नस्ल। इन मुर्गियों को 1847 में सुमात्रा से अमेरिका और यूरोप में मनोरंजन के उद्देश्य से आयात किया गया था। ये मनोरंजन था इनकी फाइट्स का, क्योंकि सुमात्रा मुर्गे बेहद आक्रामक और गुस्सैल होते हैं। ऐसे में इनकी लड़ाइयां करवाई जाती और इंसान इस मनोरंजन का आनंद लेता था। लेकिन आज इस नस्ल को मुख्य रूप से प्रदर्शनी के लिए रखा जाता है, क्योंकि इसके पंख भी काफी आकर्षक माने जाते हैं। तो ये थे दुनिया की कुछ सबसे अनोखी मुर्गियां। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल ब्रीड रिसर्च पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।